एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम जो वीडियो देखेंगे, ये वीडियो है यूएस मीडिया प्रेसेस पीएम मोदी इंडियाज विजन एट एससीओ समिट 2022। सो गाइस, आज का वीडियो हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये वीडियो है रियल टीवी, इंटरटेनमेंट टीवी, और इनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, तो ओरिजिनल कंटेंट को भी देखा करें। बाकी आज हम जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की भाई के क्या उनके ओपिनियंस होते हैं। वैसे काफ़ी फनी ओपिनियंस भी होते हैं, काफ़ी सीरियस ओपिनियंस भी होते हैं, तो चलते हैं देख लेते हैं। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, लिंक शेयर कर दिया करें ताकि सारे वीडियोस हम आपकी सजेशन पर भी देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि हम उसे उनसे चार्ज करेंगे उस चीज़ का, डेफिनेटली अगर हम उन्हें रूट देंगे चार्ज करेंगे, और दूसरे नंबर पे हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड बेहतर होगी। जारी बात है, जहां हमें अपना फ़ायदा दिखता है हमें वो अवेल करना चाहिए। गरीब किसान का बेटा था आपने, तो इसरो की बात की है, अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है खास। चाय भेजता था, चाय भेजता था, लेकिन मतलब आप ऑफकोर्स, लेकिन मैं देखे नरेंद्र मोदी जो है उनके जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जो इकदाम रहे हैं पिछले 10 सालों में 8 सालों में, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इकदाम रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या उन्होंने किया? बस उन्होंने हम पे नौकरियों की भर्ती है जो वो सिफारिश पे होती है, लेकिन अब जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सिफारिश पे वज़ीर आज़म लगाएगी तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम उनको ऐसा कोई मौका देंगे तो उन्होंने फिर ही हमें कॉमेडी के लिए यूज़ किया है। ठीक हो, ज़ाहरी बात। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि शंघाई कॉरपोरेशन मीटिंग आजकल पूरी दुनिया में खबरों में है, और इसी हवाले से आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं कि पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया कि दोनों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज नज़र आई हमें। एक तरफ नरेंद्र मोदी पुतिन को ये कहते नज़र आ रहे थे कि अब हमें ये वार का एरा नहीं है, हमें डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहते नज़र आ रहे थे कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस और माइंडसेट में क्या फ़र्क, माइंडसेट में फ़र्क होने की वजह क्या है? और अमेरिकन मीडिया की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो मजाक का एक ह्यूमर का एलिमेंट बने हुए हैं अपने एयरफोन ना ठीक से लगने की वजह से। इसी वाले से पाकिस्तान की जो यूथ है उनसे बात करेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्रारुल हसन। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं इधर पंजाब। आपका नाम? शहरोज फजल। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ इधर। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि शंघाई कॉरपोरेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, लेकिन दोनों की स्पीच में विजन बहुत डिफरेंस नज़र आया, विजन का डिफरेंस नज़र आया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, पुतिन को वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वार का एरा नहीं है, डेवलपमेंट का एरा है, इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं अपनी स्पीच में कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। क्या आप बैगर हैं या आप बैगर हैं? पहली बात तो रही, हम बैगर नहीं हैं, लेकिन इन लीडरों ने हमें बैगर बना दिया है, ठीक है? क्योंकि अब देखें ना, विजन देखें ना, उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि हम अपने कंट्री को क्या करें, डेवलप करें, लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे, कुर्सी कुर्सी का खेल खेल। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे जो लीडर हैं ये अनपढ़ लीडर हैं, कोई यंग जनरेशन को आगे नहीं लेके आ रहे, वही जो खानदान है 70 साल से। जबकि मजाक तो वहाँ देखें, एक मीडिया का एक रोल होता है ना हर चीज़ के, एक माइंडसेट में या माइंड बिल्डिंग में एक मीडिया का बड़ा रोल होता है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो तो चाय बेचने वाले हैं या इस तरीके से हैं। अगर चाय बेचने वाले हैं वैसे तो एजुकेटेड हैं, लेकिन ये जो हमें बताया जाता रहा कि जी वो चाय बेचने वाले हैं इस तरीके से, वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमारे जो उनसे एजुकेटेड सो कॉल्ड या जैसे भी आप कह लें, वो उनका और इसमें क्या फ़र्क? इसमें फ़र्क यही है ना, सोच का फ़र्क है, विजन का फ़र्क है। उनका विजन यही है, चाहे वो चाय बेचने वाले तो वो पहले यहाँ थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, स्ट्रगल की वजह से, ठीक है, और नई उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया, उनको यूज़ किया, और आज वो वहाँ हैं, और हम पहले यहाँ थे, ठीक है, लेकिन अपनी सोच की वजह से, ठीक है, और अपनी करप्शन की वजह से हम यहाँ हैं, दुनिया के जो पहले लोग यहाँ थे वो यहाँ हैं।
ज़बरदस्त, ज़ाहरी बात है सोच बहुत जो सा रोल प्ले करती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें रूट दे एनर्जी सप्लाई के लिए, तो क्या हमें रूट देना चाहिए? हाँ, पहली बात तो ये है कि हमारे जो उनके साथ मसाइल हैं, तो एज अ नेशन हमें उन मसाइल को हल करना चाहिए, हमें ट्रेड भी करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि 70 साल हो गए हमने अपना सारा पैसा जो है वो किस में लगाया, जंगों पे लगाया है, और दोनों मुल्कों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। ठीक है, इंडिया तो फिर भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया ना, हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास जंगों के अलावा, हथियार के अलावा और कुछ नहीं रह गया। तो मेरी तो ये राय है, बल्कि आम हर पाकिस्तानी की राय है कि एजुकेटेड अवाम की खास राय है कि इन मसाइल को हल करना चाहिए, बहुत होगी ये लड़ाइयाँ। और ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, अपने अवाम के, अपने मुल्क के अवाम के फ़ायदे की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जी, जाना चाहिए। अगर आपको क्या लगता है, हम अगर उन्हें अपना रूट यूज़ करने देते हैं तो आपको नहीं लगता हम उनसे पैसे लेंगे? ज़ाहरी बात है हम उनसे चार्ज करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, इनडायरेक्टली इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। किसी भी अगर कंट्री का वो रूट यूज़ करते हैं तो इसके लिए वो हमें पे करेंगे, जिस जो पाकिस्तान में यूज़ होगा, इससे GDP में बेहतरी आएगी। GDP में बेहतरी आएगी, इसके अलावा हमारी उनसे रिलेशन बेहतर होगा, हमारी उनके साथ ट्रेड बेहतर होगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट बने। बाहर से पैसा हमारे मुल्क में आएगा, हमारे मुल्क की इकानमी ऊपर जाएगी डेफिनेटली। और बाहर से लोग हैं, बाहर से दूसरे कंट्रीज भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इससे ओवरऑल कंट्री को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के हर बाशिंदे को फ़ायदा होगा। अगर बात की जाए अमेरिकन मीडिया की इस समिट के हवाले से, जो कवरेज है वो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी उनके विजन को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड पर उनके जो बड़े बड़े कॉमेडी शो हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वीडियोज़ चल रही हैं और एक ह्यूमर का एक सोर्स बनाया हुआ है। 22 करोड़ अवाम को, 22 करोड़ के लोगों की कंट्री जो सी है उसे रिप्रेजेंट करने वाला इस तरीके से ह्यूमर का एक सोर्स बना, कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल हमारे लिए शर्म का मुकाम है, बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन इसकी एक वजह तो ये है कि मेरिट का किलिंग है। पहले हम सोचते थे कि नौकरियों की भर्ती है जो वो सिफारिश पे होती है, लेकिन अब जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सिफारिश पे वज़ीर आज़म लगाएगी तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम उनको ऐसा कोई मौका देंगे तो उन्होंने फिर ही हमें कॉमेडी के लिए यूज़ किया है। ठीक हो, ज़ाहरी बात है हम मौका देंगे, हम कुछ इस तरीके से विजनरी बात करते या कुछ ऐसी बात करते कि जो लोगों को या दूसरे जो उनसे कंट्रीज हैं उन्हें इम्प्रेस कर सकते, तो हमारी भी फिर अच्छी एक वो बन। बिल्कुल जी, हमारे पास ऐसा कोई विजन ही नहीं है, हम कोई अगर इंटरनेशनली कोई रोल ही नहीं कर रहे दुनिया में प्ले, तो उन्होंने हमें क्यों अपने मीडिया में कवरेज देनी है? इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, उनसे मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखें 1947 में ये हमें सोचने की, हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि यार हमने उनके साथ शुरू किया था डेवलपमेंट का सफ़र, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहता हूँ, लेकिन आज वो किधर हैं कि हम उनकी एग्जाम्पल्स देने पर मजबूर हो रहे हैं, और हम किधर हैं, वजह क्या है, मतलब उनके पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऐसा कोई बेहतर चीज़ है, या उसके अलावा उनके एजुकेशन सिस्टम में बेहतर चीज़ है, या उनके लोगों में कुछ बेहतर है, वजह क्या है? वजह यही है कि जब स्टार्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात की, स्टार्ट हमने इकट्ठा किया था, ठीक है, वो लोग अपने विजन की वजह से और उन लोगों अवेयरनेस की वजह से, देखें ना अवाम में अवेयरनेस नहीं है, लीडर कौन बनाता है? शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, खान, ये जो लीडर हम बना, पब्लिक हम बनाती है, तो हम जो लीडर चूज़ करेंगे, हम अपना वे चूज़ कर रहे हैं, वो मुल्क का वे चूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल कौम की गलती है। अब कौम को चाहिए कि अब बहुत हो गया, इनको छोड़ देना चाहिए, और जो यंग लोग हैं, जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें, इश्यूज को जो सा जाने और उसके बाद उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ। हाँ, जब भी कोई आपके पास आता है, कोई भी लीडर आता है, वो आपको क्या कहता है? जी मैं आपको सड़क बनवा दूंगा, मैं आपका ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। हर बंदा क्या करता है, अपना छोटा सा काम लेके वो वोट, अपने मोहल्ले के वोट सेल कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए, हमें एज ए इंडिविजुअल कौम की तरक्की के लिए, कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। या जब एक इंडिविजुअल अपने विजन को बड़ा करेगा तो ही कंट्री का विजन बड़ा होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरमद मुबीन। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि SCO की जो मीटिंग्स चल रही हैं उसके अंदर पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर आए, खास तौर पे मैं बात करूँगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। दोनों ने स्पीच की, एक ने अपनी स्पीच में ये बोला कि ये वार का इरा नहीं है, बल्कि खास तौर पर उन्होंने प्यूटन को ये बोला कि वार का इरा नहीं है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये बोला कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है, हमारे साथ कोई रिलेशन बेहतर नहीं करना चाह रहा। इतना फ़र्क, इतनी विजन में फ़र्क और स्पीच के अंदर कॉन्फिडेंस में कितना जो सा वो फ़र्क, क्या वजह समझते हैं? इसकी बेसिकली वजह तो यही है, ये मुल्क को लूट को खा गए हैं पहले तो, ठीक है, अपने ख़ानदानों को अमीर कर लिया है, उसके बाद एट दी एंड कह रहे हैं कि हम लोग बैगर्स हैं। जब आप लोगों ने ये बेसिकली जो आप बैगर,
लीडर होता है। मैं कह रहा हूँ देखिये 22 करोड़ अवाम को ही रिप्रेजेंट किया ना, तो आपकी हम बिल्कुल बेगर नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक जो लीडर होता है उसके पास सिर्फ विजन होता है, उसके पास सोच होती है, उसने जाके तलवार से लड़ना नहीं होता, उसने आपको सोच से आपसे आपसे बातें करनी होती। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आप अपने आप को कोई अगर बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो आप अपनी कौम को रिप्रेजेंट करोगे ना। अगर आपने खुद कह दिया है कि आप बैगर्स हो, इसका मतलब हम सारे बैगर्स हैं। हम अपनी जो मिडिल क्लास तबका है, हम अपनी बात करें तो हम तो अपना अपना कमाते हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को खुद जो है वो एवेल्युएट करते हैं, जैसे भी करते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं हम एक माचिस की वो जो डिब्बी है उससे लेके हर चीज़ तक तो हम टैक्स लेते हैं। मीडिया की बात की जाए, अगर इंटरनेशनल मीडिया की, खासतौर पे अमेरिकन मीडिया की, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको एक मजाक के एलिमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं, क्लिप उनका यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, और उनका एयरफोन जो गिरा है उस हवाले से वो कि भाई ये देखें 22 करोड़ अवाम का, 22 करोड़ की जो पब्लिक है उसका रिप्रेजेंटेटर है और इस तरीके से वो यहाँ पर कर। मेरा इस पर जो है ना वो थोड़ा सा मौक़िफ़ अलग है, बेशक वो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये माइक का गिर जाना या हेडफोन का गिर जाना कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा होना कि ऐसे गिर के, यही चीज़ है ना, यही चीज़ तो बात करें, माइक तो डेफिनेटली एक चीज़ है, वो हम अक्सर यूज़ करते हैं, हमारे से भी नहीं लगता गिर जाता है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस को शो कर रहा था वहाँ पे उनका, तो ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है पूरी दुनिया में। उनका तो पर्सनली कोई उनका ना नाम है ना मुकाम है, बेसिकली बहसियत कौम हम नीचे जा रहे हैं पाकिस्तान का, हम सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान के लिए, स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं अपनी इन हरकतों से सिर्फ हमारे मुल्क को डुबो रहे हैं, हमें डुबो रहे हैं और इस मुल्क की इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि देखें हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा हरीफ है, हमारा दुश्मन है, हमारे साथ ट्रेड नहीं चाहता, ये है वो है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पर जाके ये बोला है कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम तावन चाहते हैं पाकिस्तान का एनर्जी सप्लाई के हवाले से, हमें ट्रांजिट रूट्स चाहिए पाकिस्तान से, तो क्या हमें पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडिया के साथ इस मामले में कॉपरेट करना चाहिए? असल में बेसिकली अगर इंडियन अच्छा चल सकते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का बेसिकली इकोनॉमिकली जो इशू है वो इसीलिए रिजॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे इंडिया के साथ एक पता नहीं क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना वार, हम इंडिया तो आगे जाता जा रहा है इंडिया डेवलपमेंट की तरफ, ना हम उन पे वॉर कर रहे हैं, ना हम उनसे लड़ रहे हैं, ना नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, अब टमाटर देख लें, इंडिया से आना है, अब टमाटर इमरान खान ने तो खाना नहीं है, जरदारी ने तो खाना नहीं है, नवाज शरीफ ने खाना नहीं, शहबाज शरीफ तो खाना नहीं है, खाना तो हमने, हम 200-250 रुपये लेके खा रहे हैं, अब इनको कौन समझाए? अगर ट्रेड ओपन होगी, ठीक है, बेसिकली आपका अगर कोई टमाटर की बात की है, आपको बताता चलूं, हम अभी भी टमाटर इंडिया का ही खा रहे हैं, वो पहले दुबई जाता है, दुबई से जाता है, या तो ये, और मज़े की बात, आपको क्रीम लेने जाएं जी, हमने ये जितने स्टूडेंट से पूछेंगे जी आप जी फिर हैंडसम ये क्रीम इस्तेमाल कर लें जी, जी हमें इंडियन प्रोडक्ट दें, जाके वो मार्केट से लेके आना है, लेकिन वैसे जी हम इंडिया से नफरत करते हैं, मतलब इतनी दो नंबरी हमें बस ये तो कौम हो चुकी है। आप इसमें मैं समझता हूँ हमारा कसूर नहीं है, नहीं नहीं उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी मीडिया का आप नहीं समझते काफ़ी, उन्होंने हमारा माइंडसेट इस तरीके से बना दिया। बिल्कुल, मीडिया का भी किरदार इसमें बहुत अहम है, मीडिया भी आजकल आपके सामने है चीज़ें, इंडिया की अगर बात की जाए कंपेरिजन हम कर रहे हैं, वैसे तो हमारा इस टाइम पर जो हमारी पोजिशन है और जो उनके कंपेरिजन नहीं बनता, और ये बात जब किसी को की जाए वो शायद बुरा मना जाते हैं, लेकिन रियलिटी है, रियलिटी यही है। आप उनकी देखें, उनकी आबादी कितनी है, आप एक सिंपल सी बात मुझे बताएं कि उनके जो राइट मैन राइट जॉब पे लगे हुए हैं, उनका जो आपने पिछले दिनों ये देखा, मैं भूल रहा हूँ इसका, ये जो साइंस का इन्होंने किया है वो आसमान पे भेजा है स्पेसशिप, ठीक है, तो उसका जो इसरो की, हाँ जी हाँ जी, तो उसका इनका जो हेड था ये स्पेस साइंस का, वो एक गरीब किसान का बेटा था, ठीक है, हमारे देख लें कौन है, गरीब किसान का बेटा था। आपने तो इसरो की बात की है, अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, चाय भेजता था, चाय भेजता था, लेकिन मतलब आप कुछ भी कह लें कि उसने ऐसे किया वैसे किया, बट मैंडेट लिया ना, हमारे मुल्क में कोई अच्छा बंदा आता है आप उसे वोट देते हो? हम जिस MNA MPA के पास कोई 2-4 अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती हम उसे वोटिंग कास्ट करते हैं। हमें अपना जो 1947 में सफ़र का आगाज़, डेवलपमेंट का आगाज़ जो मेरा ख्याल है वो अभी वहीं पे शुरू है, अब वहीं पे हैं, और इंडिया, हम वहीं पे हैं। आप इंडिया को देख लें, IT के टॉप लेवल में गूगल का CEO देख लें, डिफरेंट चीज़ों, IT के दुनिया का अमीर तरीन दूसरे नंबर पर जो शख्स है वो भी अंबानी है, वो अंबानी है। तो बेसिकली ये बात है कि आप, हाँ जी, आप जब तक इसको देखेंगे नहीं कि आप इंडिया के साथ आपका कंपैरिजन ही नहीं है, हम कैसे कर? आप उनके एक्सपोर्ट्स देख लें, सीखने की जरूरत है, देख लें, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बस ये कौम और बैठ के चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है।
बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जेन्युइन ओपिनियन उन्होंने अपनी जेन्युइन जो राय है वो लोगों के सामने रखी है। मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की यूथ इस तरीके से सोच नहीं रखेगी, जब तक पाकिस्तान की यूथ इस चीज़ को अपने माइंड से नहीं निकालेगी कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया के साथ हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि नेबर के साथ रिलेशन अच्छे किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये पाकिस्तान के यूथ की ओपिनियन थी। आइए किसी और से। आपने कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो पढ़ी लिखी भी है, तो भाई ऐसा मत बोला करें कि आप लोग पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि काफी अच्छी बातें भी बोलती है, लेकिन ये है कि आप कैसी आवाम के पास जाते हैं वो भी होता है कि आप कैटेगरी भी तो देखें ना। ऐसा नहीं है कि गली मोहल्लों में घूमने वाले लोगों को आप बोलो कि हाँ भाई इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर बताएं तो हमें पता चल जाए, तो खैर ऐसा नहीं होता। एजुकेशन और नॉलेज भी होना जरूरी है। तो ये पढ़ी लिखी आवाम है, समझदार है, इनकी बातों से भी आइडिया हुआ कि लॉजिकल बात कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फील हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि हमारे पाकिस्तानी पीपल भी जो है वो एजुकेटेड हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। देखो हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं है, बस ऐसा है कि सम टाइम कुछ वीडियोस में ऐसा दिखा दिया जाता है और ऐसा फील होता है कि जैसे देयर इज नो एनी सिंगल कोई बंदा नहीं जो जो है वो पढ़ा लिखा लाइक इस तरह का नॉलेजेबल इस तरह का हो, तो मतलब वो ऐसा वीडियो में शो होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे भी लोग हैं, तो आपको इस वीडियो से आइडिया हो जाना चाहिए। चलो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक पे बात हुई है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो पॉइंट उठा है कि भाई वो एक चाय वाला है और आज वो किस लेवल पर पहुंचा है, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि चाय वाला हो या वो कॉफी वाला हो, लेकिन उन्होंने अपनी जो इमेज इस दुनिया में बना रखी है वो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट की है, ऐसे इंसान ने एफर्ट की है जिसके पास एक वक्त था कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा गुर्बत में थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से आज वो इस लेवल तक पहुंचे हैं जिसपे मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और चाहे वो कॉफी भेजते हैं चाहे वो कुछ भी करते हैं, लेकिन उनमें एक पावर थी, एक विल थी जो कि कुछ करने की, तो आज वो एक जबरदस्त कुछ करके बैठे हैं जो कि एक बहुत ही जबरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। देखो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो ये अपनी कंट्री के लोगों के लिए सोचता है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी कंट्री के लोगों के लिए जो है वो सोचा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हम हमेशा हमारी जहां पर मिस्टेक आ जाती है ना वो सबसे बड़ी है कि हम लोगों को अपने से बहुत ज्यादा नीचे डाउन समझना शुरू हो जाते हैं। इसमें मैं आपको मुझे एक डायलॉग याद आ रहा था KGF 2 का, और उसमें था कि पावरफुल पीपल्स कम टू पावरफुल प्लेसेस, मतलब कि जो पावरफुल लोग होते हैं वही पावरफुल प्लेसेस पर आते हैं, मतलब कि उसका ये नहीं है कि वो बैकग्राउंड उसका कैसा है या क्या था वो क्या नहीं, देखना यह है कि आज वो क्या है। आज वो टॉप 5 में टॉप 10 में जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और इंडियंस के लिए तो प्राउड मोमेंट है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि देखो उन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा हमारे यहाँ पर जो मेन मसले आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी एजुकेशन का मसला है, जिसमें हम लोग अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा नॉन सीरियस है, और स्पेशली एजुकेशन जो है वो हमारी डेवलपमेंट का एक पिलर हम कह सकते हैं कि होता है, जो कि हमारी डेवलपमेंट को लेकर आगे चलता है, मतलब कि हमें एक अच्छा मुकाम देता है, डेवलपमेंट अच्छी होती है, और जो है एजुकेशन हमारी बहुत जरूरी है, जिससे हम अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, जिसपे हमारी अगर एजुकेशन अच्छी होगी हमारे स्टूडेंट जो है उन पर उनकी एजुकेशन मेन होती है। तो जब ये लोग वोट लेने आते हैं तो आई थिंक एजुकेशन पे पब्लिक को बात करनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है हमारी एजुकेशन पे फोकस किया जाए। और बाकी अगर हम बात करें, देखो हेडफोन अगर कहीं कान से गिर जाता तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इसमें ये नहीं कह सकते कि चलो भाई वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं था या ये कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर उनका कॉन्फिडेंस ये चीज से शो नहीं होता और इतना बड़ा इशू नहीं है कि हेडफोन कान से गिर गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मसला आता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर
जो इंटरनेशनल लेवल पर स्पेशली इंडिया से हो गई कहीं से भी हमें अगर कोई चीज सस्ती मिलती है तो वो हमें ले लेनी चाहिए, जैसे इंडिया से है या ईरान जैसी कंट्री से हमें मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर कोई जो चीज यूज करता है अगर हमें वो कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है तो उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया के बीच में ट्रेड होता है, और इससे अगर हमारी आम पब्लिक को फायदा होता है तो जाहिर सी बात है इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई इशू होगा। सो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी इसमें जो भी पॉइंट थे वो काफी अच्छे थे, क्योंकि जो है वो यहाँ पर कंपैरिजन तो वाकई नहीं बनता क्योंकि उनकी एजुकेशन वगैरह काफी अच्छी है और क्वालिटी भी तो, लेकिन एक बात है कि हमारी भी अच्छी हो सकती है अगर इस पे थोड़ा बहुत फोकस कर लिया जाए। दूसरा ये है कि हमारे जो जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर फोकस किया जाए तो आई थिंक काफी चीजें अच्छी हो सकती हैं, और इससे बेहतर चीज यही है कि हम लोग जो एक दूसरे के साथ हमने जो दुश्मनियां पाल रखी हैं अगर वो खत्म हो जाए तो हम लोग जो पैसे इन सारी दूसरी चीजों पर लगा रहे हैं तो उसके बजाय अगर हम अच्छी दोस्ती और इस तरह की चीजों पर लगाए तो मुझे लगता है कि वो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। मतलब एजुकेशन पे पैसे लगा दिए जाएं, मेडिकल सिस्टम पर लगा दिए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिए जाए तो आई थिंक कि उससे हमारी काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो दोस्ती का हाथ अगर बढ़ जाए तो क्या ही बात है, कमाल हो जाएगा। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।